गर्मियों में चेहरे की देखभाल कैसे करें। समर चल रहा है, गर्मियाँ काफ़ी तेज स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें अगर आप आपके चेहरे की केयर नहीं करोगे, आपके चेहरे को साफ सुथरा नहीं रखोगे, तो हो सकता है आपके पिंपल्स आ जाए, हो सकता है आपका फेस ब्लैक हो जाए या अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समर में स्किन केयर कैसे करें, क्या प्रोडक्ट है, क्या आपको लगाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। हे गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गर्मियाँ ऐसी होती है जो कि आपकी पूरी बाट लगा देती है, चाहे आपकी बॉडी की हो, फेस की हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि गर्मियों में बॉडी की हीट ज़्यादा जनरेट होती है और कहीं कहीं ज़्यादा गर्मी होने से आपके फेस पर पिम्पल्स ज़्यादा आने लग जाते हैं। और अगर आप धूप में जाते आते हो तो आपका फेस भी थोड़ा सा ब्लैक सांवला हो सकता है, स्किन ब्लैक सांवली हो सकती है। तो इन सबको अगर हो चुका है आपके साथ या फिर आप इससे बचना चाहते हो तो आप स्किन केयर कर सकते हो। मैं उसके लिए आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूँ। तो आपको पहले तीन प्रोडक्ट आपके घर पर लाना पड़ेगी क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है। पहला आपको एलोवेरा जेल लेके आना पड़ेगी, ये आपको 50 रुपये में मेडिकल स्टोर पे, पास के किराना स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको एक सोप लेके आना पड़ेगा, गोदरेज नंबर 1 सोप, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ और आपको भी यूज़ करना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊँ। फिर आपको एक मॉइस्चराइजर क्रीम लेके आना पड़ेगी, फेयर एंड लवली। ये तीन प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप स्किन केयर करना चाहते हो गर्मियों में, समर में, विंटर में, जो भी है, बट अभी हम गर्मियों की बात कर रहे हैं। तो इनको यूज़ करने का क्या तरीका होता है, देखो, अगर आप पसीना में ज़्यादा काम करते हो, आपकी बॉडी में ज़्यादा पसीना आता है, तो आपके हॉल्स बंद होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चाहे वो धूल आपके फेस पे आकर लग जाएगी तो उससे भी आपके फेस के हॉल्स बंद हो जाएंगे। अगर आपके फेस के हॉल्स बंद हो जाएंगे तो जो आपकी स्किन है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, जिससे कि आपके पिम्पल्स ज़्यादा उठने लग जाएंगे और उसी से ही आपका फेस ऑयली फेस होकर थोड़ा सा डार्क फेस होने लग जाएगा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आपके फेस पर एक बार पिंपल हो जाते हैं तो फिर उन पिंपल को सही करने के लिए आप और पिंपल कर लेते हैं, फिर उन पिंपल को निकालते हैं तो फिर कहीं कहीं काले काले धब्बे रह जाते हैं। तो अब आपको ये तीन प्रोडक्ट का कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप नहाने जा रहे हो या फिर फेस वॉश करने जा रहे हैं तो आपको एलोवेरा जेल आपके पूरे फेस पर लगा के 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा, इससे आपके फेस के हॉल्स ओपन हो जाएंगे, जो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो भी आपका फेस का ऑयल है वो ये सब कुछ निकाल देगा। तो बहुत बेहतरीन होम ट्रीटमेंट आप इसको बोल सकते हैं। साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जो मैं ट्रीटमेंट्स बता रहा हूँ उससे बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, कोई भी कर सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको पहुँचाएगा। तो इससे आपके फेस की आप मसाज करें, जब भी आप नहाने जा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, उससे 15 मिनट पहले 1-2 मिनट तक मसाज करें, आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मेरी स्किन बहुत बेहतरीन फ्रेश हो चुकी है। अब बात करते हैं आपको कौन सी चीज़ से नहाना चाहिए। और आपको अगर फेस वॉश करने के लिए कोई फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं, सॉप यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको गोदरेज का नंबर 1 सॉप आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आपको नींबू एलोवेरा देखने को मिल जाता है, स्मेल काफ़ी अच्छी आती है। तो आपने नींबू एलोवेरा के बारे में अगर सुना है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूँ, जो नींबू होता है वो आपकी स्किन जो ऑयल होता है उसको रिमूव कर देता है, ऑयल को निकाल देता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है और आपके हॉल्स तुरंत ओपन कर देता है और नींबू से पिंपल्स नहीं आते हैं। तो ये बात आप याद रखें। और फिर इसमें एलोवेरा भी होता है, एलोवेरा क्या करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, आपकी स्किन के पिंपल्स को रोकता है आने से और जो आपकी स्किन है उसको फ्रेश रखता है। तो अगर आप इससे फेस वॉश करोगे तो आपको एक ही दिन में फ़ायदा देखने को मिल जाएगा और आप इससे पूरी बॉडी को भी वॉश कर सकते हो, यानी इससे आप नहा सकते हो, जो कि आपको कुछ अलग ही फीलिंग आएगी। और क्योंकि मैं इसका यूज़ कंटिन्यू करता आ रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये ज़बरदस्त है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको नहाने जाना है या फिर नाइट में फेस वॉश करके सोना है तो आप गोदरेज नंबर 1 से फेस वॉश कर सकते हैं। अब बात करते हैं, भाई पूरे दिन हैंडसम बन के रहना है, पूरे दिन फेस पर कुछ लगाना है, तो आप फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा मॉइस्चराइज क्रीम होता है जो कि आपके फेस के पसीना को और आपके फेस के ऑयल को सूस लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी स्किन को काफ़ी हेल्दी रखती है और ड्राई रखती है। तो अगर आपके भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके स्किन ब्लैक हो रही है, सांवली हो रही है, तो आप फेयर एंड लवली का यूज़ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपके फेस गोरा होता चला जाएगा, आपके फेस के पिंपल्स को ये रोक देगी आने से और जो आपके हॉल्स है उसको ऑक्सीजन देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी। तो अगर आप नहा रहे हो या फिर रात को सो रहे हो तो नहाने के बाद
और सोने से पहले आप ये क्रीम लगा के यूज करें। एक महीने में आपको इतना कुछ फायदा देखने को मिलेगा, एक महीना तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, 4 से 5 दिन में आपको इतना फायदा देखने को मिलेगा, आप बोलेंगे यार कि गर्मियों में इससे अच्छी क्रीम तो है ही नहीं, हमने आज तक देखी नहीं। तो अगर आप भी समर में आपकी स्किन केयर करना चाहते हैं तो आप ये 3 प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। खर्चे की बात करें तो आपको 50 रुपये का एलोवेरा देखने को मिलेगा, 10 रुपये का साबुन, 60 और 60 रुपये की क्रीम, 120 रुपये में आपका पूरा समर निकल जाएगा। 3 महीने आप इनका यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 महीने आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये 3 प्रोडक्ट यूज़ कर लिए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और गर्मी आपको जान भी नहीं पड़ेगी, महसूस भी नहीं होगी। और ये सोप जो है इसमें स्मेल काफ़ी अच्छी आती है, तो अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हैं और अगर आपके पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है तो आपकी स्मेल भी ये ख़त्म कर देगा, चाहे आपकी बगल की स्मेल हो, आपकी बॉडी की स्मेल हो, ये उसको भी रिमूव कर देगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ यूज़ करना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, बट हाँ अगर आप ये यूज़ करोगे तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो ये यूज़ करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। समर काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया, गर्मी चालू हो गई है, तो आपको ये आज से यूज़ करना चाहिए। आइए अभी वीडियो आपको अच्छा लगा, उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।